कि बहन कुमारी मायावती अभी पिछले इलेक्शन में जो हारे थे उसका सबसे बड़ा कारण था बहन कुमारी मायावती का मूर्ति लगवाना। आपको क्या लगता है कि मूर्ति लगवाना गलत था या सही था, वो बताएं प्लीज। लोग कहते हैं बहन जी ने मूर्तियां लगवा दी थोक में जी, लोग कहते हैं बहन जी ने मूर्तियां लगवा दी थोक में, और मैं कहता हूँ या तो मूर्तियां लगवाई है बहन जी ने या लगवाई थी सम्राट अशोक ने। ठीक है, सवाल मूर्तियों का तो है ही नहीं। इतिहास लिखने की कला है, इतिहास पत्थरों से भी लिखा जाता है, महलों से भी लिखा जाता है, स्मारकों से भी लिखा जाता है, सब जगह से इतिहास लिखा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस ब्राह्मणी का इतिहास की छाती में अगर कोई कील ठुकी तो बहन जी ने ठोक दी, वो कील नहीं निकल पा रही इन पे। जब 3,000 करोड़ की जो मूर्ति है उसके ऊपर हमारा समाज अब सोया पड़ा है, जो कहते थे कि बहन जी को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाने चाहिए, अब 3,000 करोड़ रुपए की वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहन जी का विरोध करना सबसे सुरक्षित और सबसे आसान काम है। हमारे लोग जो बहन जी की आलोचना करते थे मूर्ति बनवा दी और नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, आज क्यों, जब आज क्यों चुप होते हैं उस मूर्ति के नाम पे 3,000। और हमारा सवाल मूर्तियों से है ही नहीं जी। और हमारा सवाल जो बहुजन समाज के नायक हैं, हमें उनके उन्हें उनकी जगह देनी है, उन्हें उनकी जगह हम किताबों में भी देंगे, सड़क पर भी देंगे, हर चौराहे पे देंगे, क्योंकि हम वैसे तो जो बहुजन जो विचारधारा है वो मूर्ति पे स्थापित नहीं है, मूर्तियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे प्रेरणा स्रोत जिन्हें तुमने इतिहास में दबा दिया, हम उन इतिहासकारों को, उन ऐतिहासिक लोगों को हम खोद खोद के ला रहे हैं, तब हम उनका वो आपके सामने उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं। हम मूर्ति पूजा या मूर्ति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, तो वो इतिहास के वो नायक है जिन्होंने ब्राह्मणकरण मीडिया ने बिल्कुल खत्म कर दिया था जी। कौन जानता था बिरसा मुंडा को, कौन जानता था साहू जी महाराज को, कौन जानता था फूले जी महाराज को, कौन जानता था सावित्री बाई फूले को, कौन जानता था संत गाड़गे को, कौन जानता था अहिल्या बाई होलकर को, कौन जानता था झलकारी बाई रानी को, कौन जानता था फातिमा शेख को, जो ये सब चीजें हैं जो निकाल के लाए वो बहन जी लाई हैं। सवाल मूर्ति होगा, तुम्हारी आंखों में खटकती होंगी, हमारी आंखों में कुछ नहीं खटका आज तक। तुम्हारी आंखों में तो बाबा साहब की हर वो मूर्ति खटकती है जो भारत के हर गाँव हर चौराहे पर लगी हुई है। क्या आप बाबा साहब की स्टैचू का सम्मान करते हो? तो जो ये हारने और जीतने का कॉन्सेप्ट है, आपकी नजरों में जो ये जो कील है ना छाती पे तुम्हारी ठुकी हुई, वो कील ऐसी रहेगी, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे के नाम पे हो, चाहे वो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के नाम पे हो, चाहे वो लखनऊ के दलित प्रेरणा स्थल के नाम पे हो या नोएडा के प्रेरणा स्थल के नाम पे हो। तो ये तो मेरे समाज का गौरव है। आज मैं आज संपूर्ण अनुसूचित जाति के लोगों से चैलेंज कर रहा हूँ कि बहन जी की मूर्तियों पर उंगली उठाने से पहले तुम्हारे घर में जितनी भी जो तस्वीर है उन्हें उतार के आग लगा दोगे तो तब तुम आलोचना कर सकते हो बहन जी की, क्योंकि एक तस्वीर में एक मूर्ति में सिर्फ दो ही अंतर होते हैं। जो तस्वीर होती है वो 2-डायमेंशनल होती है और जो मूर्ति होती है वो 3-डायमेंशनल होती है। मेरे पिताजी या मेरे अगर दादाजी एक्सपायर हो गए तो मैंने तो उनकी बड़ी फोटो लगाई हुई है, और वैसे मैं मूर्ति पूजा का विरोध, वैसे मैं बहन जी की मूर्ति का विरोध कर रहा हूँ। क्या मेरे अंदर इतना दम है कि अपने घर में से अपने परिवार के बुजुर्गों की तस्वीर को उतार के फेंकूं और तब बहन जी की आलोचना करूं? क्या मैं कर सकता हूं? जो जितने लोग बहन जी की आलोचना करते हैं उनके घर में जाके देख लेना, अपने दादा परदादा जिन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया उसको तो वो मानते हैं अपना आदर्श, और जो समाज के लिए मर गए, जो मिट गए, जिन्होंने समाज में हमें इतिहास सम्मानजनक इतिहास लाया, उनकी मूर्तियां इन्हें खटक रही हैं। सवाल मूर्तियों का नहीं है, सवाल मानसिकता है का है, क्योंकि इन्हें कभी राजघाट नहीं खटका, कभी इन्हें जो गांधी नेहरू परिवार के जो स्मारक है वो नहीं खटके, लेकिन खटके तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज के नायक खटके, लेकिन और ऐसे ही खटकेंगे। अभी तो एक स्टेट में सरकार आई है, हर स्टेट में आने तब बात करेंगे। आप थे सत्यप्रकाश गौतम जी जिन्होंने बताया कि बहन कुमारी मायावती का मूर्ति लगवाना बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो काम किया था जो इतिहास के पन्नों से ही बहुत सारी सरकारों ने खत्म कर दिया था, उन्हीं पन्नों को फिर दोबारा से निकाल के बहुजन समाज के सामने पेश करा और बहुजन समाज के उन नायकों को दोबारा से जगाया है जो बिल्कुल इतिहास से खत्म कर दिए गए थे। सत्यप्रकाश जी, SNU से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।